Quebec in Canada. It's a French style of step dancing. The feeling is French, but they get a lot of their steps from Irish dance. And also from African American. And African. And games. Yeah. So. And also the whole dance is based on this movement, which is just what the fiddler. Fiddle player does this. In Quebec. Does that. So the whole dance is made up, but based in folklore and the roots of folk. And it's one of the dances that we do in pretty much every show that we have a line of dancers, usually about this long, doing that whole. Yeah. And walking in tack shoes. God bless you. अलग अलग जगहों की जो लोक संस्कृति है वहाँ के डांसेस को सीखते भी दे आर मास्टर्स बट दे लर्न वो सीखते भी हैं और उसको फिर कंबाइन करते हैं कंपोज करते हैं और दूसरे तरह के लोगों के सामने उसको पेश करते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि वो सीख पाए और जितने भी डांस का कंपोजिशंस हैं वो बहुत लोकल कला से आया हुआ है हायर से नहीं आया हुआ लोगों से लिया हुआ है और उन्हीं को वापस सर्व कर और भारत में ये पहली बार 2012 में आए थे और BMCT जो रीटा दीक्षित क्यूबेक डेविड और प्रमिला की संस्था है उसके अशक्ति डांस अकेडमी आप लोग की है उसके अंतर्गत पहली बार 2012 में वैन कैनेबल ग्रुप के साथ जुड़ा था उसमें इन्होंने चार जिसमें कि मिरांडा भी आई थी और इन्होंने 3 स्कूल सेलेक्ट किए थे महिला मंडल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि आप जानते हैं कि हिंदी विद्यालय है साथ में सेंट मेरी और सेंट पॉल स्कूल था जो कि कॉन्वेंट स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में आके इन्होंने बच्चों को सिखाया और इन्होंने सेलेक्ट कर लिए 2 ग्रुप एक प्राइमरी सेक्शन से और एक मिडिल सेक्शन से 20-20 बच्चों का 3 स्कूल में करने के बाद उनको सिखाया गया तो मैं क्योंकि प्रिंसिपल हूँ महिला मंडल की तो मैंने विशेष रूप से पाया कि इन्होंने जब वो हिंदी माध्यम के लड़कियों को सिखाया तो उन्हें सीखने में कोई तकलीफ नहीं आई कोई भाषा जो है वो बाधा नहीं बनी नहीं तो आप सोचिए और वो लड़कियों का स्तर भी आप जानते हैं जिस स्तर से आदिवासी लड़कियां हैं या जिस निम्न स्तर से आती हैं उन्होंने बहुत आसानी से इनसे सीखा और ये जितने प्यार से उनको हाथ लगा लगा के मिल के गोदी में ले के सिखा रही थी वो बहुत एक अपना अनूठा तरीका था और जैसा कि इन्होंने कहा कि विभिन्न देशों से विश्व के विभिन्न देशों के नृत्य होते उसमें उन्होंने उन नृत्यों को भी साथ में लिया था और कहानी के रूप में बहुत आसान तरीके से सिखाया और साथ में फिर आखिरी समापन समारोह सेंट मेरीज के हॉल में हुआ था जहाँ कि सेंट मेरीज के बच्चे भी थे सेंट पॉल्स के बच्चे भी थे और हमारी महिला मंडल की छात्राएं भी थी तो उनमें जो आत्मविश्वास था और जो प्रदर्शन उन्होंने किया तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि अगर किसी में टैलेंट हो तो कोई भी चीज़ बाधा नहीं है उसमें विशेष रूप से लीविया बेल और उनके ग्रुप जो मिरांडा मैरिना गुस्तावो जितने आए थे उनको इसका श्रेय देना चाहती हूँ कि वो बहुत प्रेरणा दे रहे थे सीखने के लिए और आसानी से इन बच्चों ने सीख लिया तो हम तहे दिल से आभारी हैं रीटा जी के डेविड के और प्रेम लगे BMCT के कि इन्होंने ये स्टेप उठाया और हमारे उदयपुर को चुना क्योंकि आपका जुड़ाव उदयपुर से आज का नहीं बरसों का है 30-35 साल से इनको यहाँ हो गए हैं तो उदयपुर को जो इन्होंने दे दी हमें काफ़ी तकलीफ आई लोगों को एकत्रित करने में इतना आसान नहीं था सबको एकत्रित करना समझाना था जब तक कोई देख नहीं लेता बहुत जल्दी विश्वास नहीं करता उसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की घर घर जाके बात करी स्कूल्स में बात करी और हमने भाई ये चीज़ ऐसी जिसको हमें मोटिवेट करना चाहिए आगे बढ़ाना चाहिए और सब में फैलाना चाहिए आज से जैसे इसकी कक्षाएँ प्रारंभ हो रही हैं शाम को जिसमें महिलाएँ भी आएंगी बच्चे भी आएंगे बच्चों के लिए आप इंचार्ज थे और महिलाओं के लिए हम दोनों हैं महिलाओं के ग्रुप आएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आप जो है मार्शल आर्ट्स होने की वजह से आप महिलाओं को भी ले रहे हैं और पुरुषों को भी ले रहे हैं और बच्चे भी आपके साथ हैं तो मेरे को विश्वास है एक जागरूकता आएगी और एक दिमाग खुलेगा कि दुनिया जो मुंडी में आ गई हमें सब कुछ आना चाहिए इनका सिर्फ काम सिर्फ सीखना नहीं है सिखाना नहीं है सीखना भी है द बेस्ट इज
try to learn themselves also. सर बिलीव नहीं करते कि हम प्रशिक्षक ये मानते हैं हम विद्यार्थी तो मैं विशेष रूप से अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती थी 2012 का जब ये पहली बार आए और इनको लगा कि हम यहाँ आ गए तो ये ऐसी जगह है जहाँ हमें आना ही है और बड़े सच्चे दिल से साफ दिल से करते हैं कल जब इन्होंने मेरी मीटिंग भी रखी थी तो मैंने इनका आखिरी में बात सुन रही थी तो इनका कहना था कि हम इस ग्रुप का जो बैठा हुआ है उसमें कितनी अच्छी एनर्जी है इतना अच्छी फीलिंग हमको आ रही है कि मेरा मन करता है मैं भारत में पूरी तरह से सब कुछ करूं तो ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि कोई हमारे साथ जुड़ता है और हमारे लिए चाहता है कि हम ये सब करें स्पेशली उदयपुर को जब चुना गया है तो हम सब इसके लिए गौरवान्वित हैं हमें पूरा सहयोग देना चाहिए तो मीडिया से स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप एक ऐसा सोर्स है ऐसी ताकत है जिसको सबको बता सकते हैं फैला सकते हैं बहुत बहुत पब्लिसिटी हम लोग करते हैं और मीडिया का असर बहुत पड़ता है तो मैं आपसे ये सकारात्मक चाहूँगी कि आप लोग करें धन्यवाद थैंक यू सो मच I express whatever they are. Thank you. And I would like to also invite two other, excuse my telephone, I'd like to invite two other people who in 2012 very closely experienced the Vanava Caravan and the work that we did together. So I would like to call on Purvi Mistry to please add her views on what we did in 2012. मेरे साथ एक कुकिंग का क्लास लिया इंडियन खाना बनाना भी सीखा जो मैं मानती हूँ कि कल्चरल एक्सचेंज के साथ साथ एक हमारी लाइफस्टाइल का भी एक्सचेंज हो रहा है वो हमारा खाना बनाना सीख रहे हैं वो कर रहे हैं वो स्प्रेड हो रहा है तो आई रियली लाइक दैट और मेरा परिवार जैसे संगीत से जुड़ा हुआ है तो मुझे बहुत मौका मिलता है काफ़ी दुनिया के तरह तरह के संगीतकारों कलाकारों को मिलने का और उससे मुझे ये एहसास दिलाया कि ये जो सांस्कृतिक आदान प्रदान इसका इतना महत्व है हमारे जीवन में और ये स्थानीय जो अपनी कला है उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय कला को जोड़ने का बहुत बड़ा योगदान DMCT का रहा है Whenever caravan और जो अपनी उदयपुर की स्थानीय जो लोक कला है लोकनृत्य है संगीत है अपनी जो चित्रकार में भी अपनी जो है पारंगत है ही पर इनके जुड़ने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी जो जिस तरह का ये जुड़ा होगा ये है एक बहुत सुंदर परिणाम लाएगा ये मेरा मानना है विश्वास है और हम आगे आने वाले 3 हफ्तों का जो सृजनात्मक ऊर्जा वाला परिणाम देखेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा खास करके विल वेनेवर ने मुझे बताया कि वो लोग गरबा नृत्य देख के सीख के वो अमेरिका में गरबा नृत्य सिखा रहा है और मैं गुजराती होने के नाते मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी कला का बाहर इतना बढ़ावा मिल रहा है और इस डांस वर्कशॉप पे हम जो उदयपुर की महिलाओं के आत्मविश्वास बढ़ेगा उससे जो महिला में जो झिझक है जो वो थोड़ा सा भी उसका संकोच है वो दूर होके मंच में अपने आप को नृत्य द्वारा व्यक्त कर पाएगी ये मेरा पूरा विश्वास है और इस सब से इनके यहाँ आने से ये सब आदान प्रदान से जो हमारी कल्चर में जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना है उसकी तरफ जाने का एक एक और आगे स्टेप्स है ये कदम है अब मैं भारत को इनवाइट करूँगी बोलने मेरा हार्ट बीटर्स डांस एकेडमी है उदयपुर में हम लोग लगभग 10 से 12 सालों से सिखा रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं और पिछले साल हमको मौका मिला क्रीडा मैम ने हमको ऑफर दिया कि आप लोग वैनेवर के साथ वर्कशॉप करिए तो हम लोगों ने किया वर्कशॉप
उसके बाद हमने परफॉर्म भी किया उनके साथ एंड इट वॉज रियली वेरी ऑसम. जो अराउंड 10 डेज का जो एक्सपीरियंस था मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ऑसम था. हमने पिछले साल हैंग्समैन, स्विंग, फ्लामेंको, कपोएरा और मकुलेले स्टाइल सीखी थी और इस बार हम लोग नई चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं. जो हमारे उदयपुर में मेवाड़ की एक बहुत अच्छी सोच है, अच्छी है बुरी सोच, वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न म्यूजिक को लेके बहुत नेगेटिव थाट्स हैं, वो आप अगर इनको डांस करते हुए, इनको परफॉर्म करते हुए, इनको अगर सुनोगे इनका म्यूज़िक, तो वो थॉट आपके बिल्कुल बदल जाएंगे. उदयपुर की जनता क्योंकि हर जगह का एक ट्रेडिशन होता है, एक संस्कृति होती है, वो हमको देखने को मिल रही है. खाली इंडिया के बाहर की मतलब एक जगह की नहीं, बहुत सारी जगहों की बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, बहुत लगन से सिखाते हैं, बहुत मज़ा आता है. पिछले साल भी किया था हमने, इस बार हम मिल के हो सकता है हमारे यहाँ का कल्चर, वहाँ का कल्चर, वहाँ की डांस स्टाइल्स मिलाकर कुछ नया फील रहा होता. And I would, he is going to experience it this year. So I'm going to go to the founder, director, Banu Caravan, Lydia Banu. Thank you. So we believe that through dance and music and learning traditional cultures that we can build community. We can create community wherever we go. ये समाज को सकारात्मक दिशा के अंदर निर्माण करने के लिए वो डांस, नृत्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान में विश्वास करते हैं. And within each dance form that we teach from whatever country contains the essence of the people. So when we learn dances from different countries, we experience and appreciate other cultures in a very deep way. पूरे विश्व के जितने भी नृत्य हम लोग सीखते हैं तो वो नृत्य वहाँ का लोक कला उनकी आत्मा को लिए हुए होती है, डीप रूटेड, और इसलिए वो उनका जो गहराइयों के अंदर जो भावनाएं हैं वो आती है और वो यहाँ पर नृत्य के माध्यम से एक्सप्रेस होती है. And we create celebrations with the different groups that we teach and with our own company. We do this all over the world. सेलिब्रेशंस करते हैं और जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं उन सब के साथ इंट्रैक्ट करते हुए, उनको शामिल करते हुए तो कार्यक्रम देते हैं. हाँ, कार्यक्रम देते हैं और एंड इट्स फॉर 42 इयर्स वी हैव बीन डूइंग दिस एंड वी हैव सीन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट चिल्ड्रन टू द ओल्डेस्ट पीपल दैट दे हैव द फीलिंग ऑफ होप दैट वी कैन we bring more peace to the world by our appreciation of each other. 42 साल से ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, दिख सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं. छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे, बड़े लोगों तक को देखा है और उनके साथ इंटरेक्ट किया है, तो उनके आत्मा से जो मैसेज आया है वो शांति की दिशा में जाना चाहते हैं. उनका मन उधर जाता है और उसका सबसे सुंदर माध्यम नृत्य नृत्य और कला है. वो आशा करते हैं, आशान्वित हैं, बहुत आशान्वित हैं. एंड आल्सो व्हेयरएवर वी गो वी ट्राई टू लर्न द डांसेस ऑफ द प्लेसेस दैट वी विजिट एंड पीपल हैव बीन वेरी जेनरस अबाउट शेयरिंग देयर डांस एंड कल्चर दैट वी टेक दैट बैक एंड शेयर इट विद अदर पीपल टू. सो इट्स अ कल्चरल एक्सचेंज. And we'll be doing that here with the Chilpgram. We'll be doing sharing the dance, learning Kalbelia and Teretali. हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ के लोगों से वहाँ के लोक नृत्य को सीखने की कोशिश करते हैं और लोग जो हैं वो बहुत उत्साहित होते हैं और बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करते हैं, वो अच्छे से सिखाने के लिए होते हैं और उन सारे डांसेस को सीखने के बाद वो लोग दूसरे देशों में दूसरे लोगों के साथ उसको शेयर करते हैं ताकि वो कल्चरल एक्सचेंज बने. यहाँ पर कालबेलिया और तेराताली सीखना है. ये वेस्टर्न कल्चर सेंटर के साथ है. दशोरा जी वाज वेरी नाइस टू हैव बेसिकली केप्ट द विलेज डांसर्स सो दे विल बी एक्चुअली स्टार्टिंग विद विलेज डांसर्स. सीखे कालबेलिया तेराताली एंड ये इनका 16 से प्रोग्राम उनके साथ शुरू, वर्कशॉप का प्रोग्राम शुरू होगा
और 23rd तक है एंड 24th दे विल हैव सो दे विल बी टेकिंग बैक कलबेलिया थेराथली फ्रॉम देयर ओके Bill Banabar, also co-founder director, Banabar Caravan. And I'm the music director. I do dance and I teach dance as well. But I play a lot of different instruments. I don't even know how to count. But I only brought the banjo, but I can tune the banjo to different instruments and use it in different ways. I also write for symphony orchestra. I've always believed in the power of dance and music to make real change and real connection between people. I've seen it in so many ways in our own country, in our own history, and I'm sure the same could be said for India. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं ये और काउंट नहीं कर सकते कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं अभी सिर्फ आपके सामने बैठे हैं जिसको अद्भुत तरीके से बजा सकते हैं आपने बुलाया है और इन्होंने देखा है कि इनकी खुद की जो कंट्री है देश ने कि इतिहास अगर ये देखते हैं तो उसमें बहुत संघर्ष हुआ है और इन्हें विश्वास है कि सेम भारत में भी बहुत संघर्ष हुआ है तो हम यहाँ जो भी कर रहे हैं हम लोग विभिन्न प्रकार के उदयपुर में नृत्य सिखाएंगे जो कि विभिन्न देशों से लिए गए हैं और इनका विश्वास है कि जब हम एक दूसरे को सिखाते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं मिलकर तो उसे शांति का मैसेज आता है और आपस में हमें मानवता आती है और हम पूरी सोसाइटी को एक कर सकते हैं एक पूरे समाज को एक उस फॉर्म में देख सकते हैं तो हमें सबको इनका विश्वास है कि नृत्य एक ऐसी कला है जिससे आसानी से किसी को बदला जा सकता है ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है yeah. and as far as what we're doing here in Udaipur, as Livia said, we're teaching dances from different cultures. And what just occurred to me that you didn't say, that I didn't write, was that when we appreciate and celebrate cultures from other countries, it in a way, it we see how different things people are, but also we see something about ourselves. We see what is common to everybody. And not only that, yeah. It brings up a part of ourselves that we may not even know. That we become connected to a different part of our own self. Do you understand what I'm saying? And so like we see ourselves in the other people. Yeah, they're doing something. Something is common. Right. Yeah. In the different countries, they have seen some cultures. 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 They have seen कि सबका बिल्कुल अलग अलग नहीं कोई नॉर्थ पोल है कोई साउथ पोल है ऐसा नहीं है हम सब में कहीं एकता है कि जब उनमें कुछ करते हुए पार्टी करते हैं तो हम भी करते हैं हमारे में एक जैसी चीजें हैं जिसको एक कर सकते हैं And to me, the best, the best creator of peace is to create a sense of connection. अगर शांति लानी है तो हमें किसी के साथ जुड़ाव करना पड़ेगा जब तक हमें ये फीलिंग नहीं आए कि हम एक देश से दूसरे देश से नहीं जुड़ेंगे तो शांति आ ही नहीं सकती अगर हम अलग अलग समझें ये तो बेसिक चीज है सब Oh, I just want to say one thing. Dance and music has no borders, no and no language barrier. We have, it's, as Livia said, we have done, learned dances and music in our travels all over the world. But we live in a country of immigrants. You understand? We live in America is all immigrants. Immigrants. So we learn dances and music. From immigrant communities in America as well. Libya is. America स्वयं कोई country मतलब खुद का कोई संस्कृति नहीं है वो पूरे विश्व की संस्कृतियों का एक समेटे हुए तो वहाँ रहने वाले वहाँ पर हर चीज सीखने को मिल जाती है. And for instance, Libya is studying Kuchipudi dance with a guru who lives a half hour away. आपने कुचिपुड़ी नृत्य जो कि आंध्र प्रदेश का वहाँ सीखा है अमेरिका में भी सीख रहे हैं आज हम उनके घर से थोड़ी ही दूर रहते हैं गुरु अपन जानते हैं कि सब गुरु हमारे बाहर हैं सब कुछ है
And I would like to introduce Miranda. She is actually the director of the India program for Vanu Caravan, Miranda is. And Miranda actually started the program here. Our pilot program with Vanu Caravan was started by Miranda and three other dancers. So Miranda. ये संयोजक कार्यक्रम संयोजक